नमस्कार, मैं चेतन कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। आज विशाखापट्टनम में भारत और वेस्टइंडीज का मुकाबला होना है, दूसरा एक दिवसीय मुकाबला होना है और आज हम इसी पर बातचीत करने वाले हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी मनिंदर सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर, आज जो मुकाबला होना है विशाखापट्टनम में, इंडिया वर्सेज वेस्टइंडीज, पहला मुकाबला टीम इंडिया हार चुकी है और कहीं ना कहीं आप कहां पर कमी देखते हैं? क्योंकि हमारी जो बल्लेबाजी रही धीमी पिच पे, भारतीय बल्लेबाजों ने तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया था, 287 रन मारे थे, लेकिन जो गेंदबाजी रही कहीं ना कहीं वहां पर मुझे लगता है कि कमी है। तो आपको कहां लगता है ये कमी है? नहीं, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इंडिया का अगर आप पिछले कुछ 2-3 सालों से निकाल के देख लीजिए तो बैटिंग तो अच्छी रहती है लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई थी। जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन था वो बहुत बढ़िया हो गया था। उस कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि हमारे पास जो दो स्पिनर थे, चहर और युजवेंद्र चहल, इनका बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन था। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, इन्होंने खूब विकेट्स ली, लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरह की आ गई है कि रविंद्र जडेजा जब से टीम में वापस आए हैं एज एन ऑलराउंडर उनको खिला रहे हैं। सो उसमें आपको अपना एक स्पिनर जो आपको विकेट्स लेके दे रहा था और वो जो कॉम्बिनेशन बन रहा था, उस कॉम्बिनेशन को तोड़ना पड़ा है इंडियन टीम को। और कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, बुमराह नहीं खेल रहे, इंजरी हुई है, हार्दिक पांड्या को इंजरी की वजह से नहीं खेल रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार भी यहाँ पर टीम में नहीं है। भुवनेश्वर का देखिए, भुवनेश्वर का अप एंड डाउन रह रहा था क्योंकि इंजरीज की वजह से दो मैच में अच्छा करते थे फिर उनको कोई इंजरी हो जाती थी, सो वो टीम में अपनी जगह लगातार नहीं बना पा रहे थे। लेकिन आई थिंक मेन जो असर पड़ रहा है वो बुमराह का ना होना, हार्दिक पांड्या जो कि मेरे हिसाब से वनडे क्रिकेट के, T20 क्रिकेट के बहुत दिग्गज ऑलराउंडर बनने वाले हैं आने वाले टाइम में, अगर वो मेहनत करते रहे और अपनी फिटनेस बरकरार रखी, और जो हमारा स्पिन डुओ है कुलदीप यादव, वो एक साथ नहीं खेल पा रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडियन टीम को नुकसान हो रहा है। सो यहाँ पर कैप्टन और जो थिंक टैंक है उनको सोचने की जरूरत है कि किस तरह का कॉम्बिनेशन बनाए, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको शिवम दुबे बॉलिंग करके देंगे, बिल्कुल, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एज अ बॉलर अभी तैयार है। अगर वो बैटिंग में रन्स बनाते हैं आने वाले टाइम में, कॉन्फिडेंस आता है, तो शायद कुछ बात अलग हो जाए, लेकिन जो इस समय मैं देख रहा हूँ शिवम दुबे को, वो बॉलर नहीं है अभी, वो गेंदबाज नहीं है अच्छे जिस तरीके से उनका प्रदर्शन करके रहे हैं। सर, एक मुंबई लीग हुई थी, शिवम दुबे ने वहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई थी और यहाँ पर अब मैं बात कर रहा हूँ सर चार नंबर के प्लेयर की। आप देखा होगा वर्ल्ड कप में जिस तरीके से भारतीय टीम के पास चार नंबर के लिए जूझ रही थी और आज भी यही सिचुएशन है टीम इंडिया के पास, चार नंबर का बल्लेबाज नहीं मिल पा रहा है। श्रेयस अय्यर मेरे हिसाब से नंबर चार के प्लेयर हैं। अगर मैं सिलेक्टर होता, मैं अपने सिलेक्टर्स को कन्विंस करने की कोशिश करता वर्ल्ड कप के दौरान भी कि अगर रायडू को सिलेक्ट नहीं करना है, जो कि नंबर चार के बैट्समैन मान लिए गए थे पिछले दो साल के लिए वर्ल्ड कप के पहले, तो श्रेयस अय्यर मेरे प्लेयर होते, क्योंकि श्रेयस अय्यर में मुझे इतना टैलेंट नज़र आता है कि मुझे फ्यूचर स्टार नज़र आता है। अगर उनको ठीक से हैंडल करे इंडियन टीम, इंडियन सिलेक्टर्स, BCCI, तो अगले सितारे बन सकते हैं इंडियन टीम के लिए। सो ये जो नंबर चार वाली गुत्थी है, इसका थोड़ा सा दोषी मैं कैप्टन और कोच को भी ठहराऊंगा, क्योंकि वर्ल्ड कप के पहले उन्होंने किसी को भी उस नंबर पर सेटल नहीं होने दिया 2-3 साल के लिए, क्योंकि कभी हार्दिक पांड्या को खिलाते थे, कभी कह देते थे रायडू अब हमारे नंबर चार के खिलाड़ी होंगे, फिर चेंज करके केदार जाधव को भेज देते थे, कभी जडेजा को भेज दिया, दिनेश कार्तिक को भी ट्राई किया उस नंबर पे। सो ये जो चार नंबर पे कोई खिलाड़ी सेटल नहीं हो पाया, इसके दोषी कैप्टन और कोच बेसिकली है, जो भी कोच रहे और विराट कोहली, क्योंकि आपने किसी को सेटल ही नहीं होने दिया। लेकिन अब वक्त है अगले वर्ल्ड कप से पहले, श्रेयस अय्यर आपके एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भरोसा दिखाएं, उनको कॉन्फिडेंस देंगे, आपको एक बहुत बड़े प्लेयर मिलेंगे जो आपको मैचेस जिता सकते हैं उस नंबर पर। तो भाई ये जो चार नंबर की जो गुत्थी है, श्रेयस अय्यर एक समाधान है। चार नंबर पर बार बार बात हो रही थी कि हमारे पास कोई प्लेयर नहीं होता है, लेकिन अब श्रेयस अय्यर है, उनको खिलाया जाना चाहिए। लेकिन अब हम बात करेंगे ऋषभ पंत की। तो ऋषभ पंत आप जिस तरीके से देखते हैं, एक बहुत शानदार प्लेयर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या लगता है कि उनकी टीम के अंदर कहां पर जगह है? देखिए, विकेटकीपर एज अ विकेटकीपर बैट्समैन 20 ओवर्स की क्रिकेट, वनडे क्रिकेट में उनकी जगह बनती है, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि गेम चेंजर है, बिल्कुल एक्स फैक्टर है उनके अंदर जो आपको मैचेस जिता सकता है। लेकिन वही बात है कि 19-20-21 साल की उम्र में किसी खिलाड़ी को संभालना ये कोच और कैप्टन की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ऋषभ पंत मुझे लगता है बिखर जाते हैं, वो एक ही तरह की शॉट्स खेलकर आउट होते चले जा रहे हैं, पहली बॉल से ही सिक्स लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई, आप जितने भी बड़े प्लेयर हों, आप विवियन रिचर्ड्स को भी अगर आप उनकी बैटिंग कभी देखी होती, वो भी थोड़ा सा वक्त लगाते थे सेटल होने के लिए, थोड़ा सा आय इन करने के लिए, थोड़ा सा पिच का क्या मिजाज है उसको जान लेने के लिए। ऋषभ पंत को ये चीज़ सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि अंडर 19 के टाइम में तो आपकी
आप इतने टैलेंटेड हैं, आपकी क्वालिटी इतनी ज्यादा है कि आप उन बॉलर्स को डोमिनेट कर सकते थे, लेकिन ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। सो यहाँ पर आपको अपनी गेम को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। धोनी ने भी बदला था, बिल्कुल बदला। धोनी भी ऐसे बैट्समैन थे, इतने विस्फोटक थे कि आते ही शॉट्स लगाने शुरू करते थे और रन बनाते थे, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया, इंडिया के लिए वैसे खेलते थे, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया तो थोड़ा सा वक्त लेते थे सेटल होने के लिए और फिर उसके बाद अपनी शॉट्स खेलते थे। सो रवि शास्त्री की जिम्मेदारी बनती है, बहुत बढ़ती है, कि ऋषभ पंत को किस तरह से नर्चर किया जाए, उनको किस तरह से संभाला। सर कहीं ना कहीं ऋषभ पंत के ऊपर दबाव भी है, इस तरीके का प्रेशर भी है, क्योंकि हर बारी उनको चार नंबर पर भी बहुत बार टेस्ट किया गया है और प्रेशर रहता है कि उनको धीमा खेलना चाहिए, और स्टार्टिंग से जो अभी तक उनका जो करियर रहा है, अभी तक जितना भी वो क्रिकेट खेले हैं वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हुए नजर आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो चेंज होता है यहाँ पर खिलाड़ियों को दिक्कत होती है। धीमा खेलने की जरूरत नहीं है, वंस एंड टूज में भी क्रिकेट खेली जा सकती है, उनको ऐसा लगता है कि सिक्स और फोर में है क्रिकेट जी, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहाँ पर आप वंस टूज एक दो लेते रहेंगे, आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा पिच की पेस का, बाउंस का, और फिर उसके बाद आप अपनी शॉट्स खेल सकते हैं। जहाँ तक प्रेशर का सवाल है, जो आप ऋषभ पंत के ऊपर बात करें, प्रेशर हिंदुस्तान में जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है प्रेशर उसके ऊपर रहता है, क्योंकि कोई खिलाड़ी जब मैदान के ऊपर जाता है हम हमेशा उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रन बनाएगा, बॉलर विकेट्स लेगा, फील्डर अच्छी कैचेस पकड़ेगा, क्योंकि हम इतने जज्बाती हैं हिंदुस्तान में कि वो प्रेशर तो खिलाड़ियों के ऊपर रहेगा, उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप उस प्रेशर को सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं आप सुपरस्टार्स बन सकते हैं। बिल्कुल, ऋषभ पंत यहाँ पर सुपरस्टार बन सकते हैं अगर वो प्रेशर हैंडल कर सकते हैं तो। और सर आज का जो मुकाबला होगा विशाखापट्टनम में, किस तरीके की पिच होती है ज़्यादातर? आपने भी खेला होगा, आपने भी देखे होंगे मैचेस, तो किस तरीके की यहाँ पर पिच रहती है ज़्यादा? जनरली यहाँ पर धीमी रहती है पिच, स्लो रहती है, स्पिनर्स के लिए मदद रहती है, बॉल रुक कर आती है, लेकिन जिस तरह से पिछला मैच वेस्ट इंडीज़ की टीम जीती उनका कॉन्फिडेंस निश्चित रूप से बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड कप में भी मैं मान रहा था कि वेस्ट इंडीज़ के जो खिलाड़ी हैं बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन उसे मैदान के ऊपर कंसिस्टेंटली उतार नहीं पा रहे हैं अपने टैलेंट को, लेकिन ये पहले मैच के बाद जिस तरह से उन्होंने इंडियन टीम को हराया, क्योंकि इंडियन टीम को हराना किसी भी टीम का कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ाएगा, सो वेस्ट इंडीज़ का बड़ा होगा, लेकिन शायद ये इंडियन टीम के लिए एक वेकअप कॉल भी था कि जागो, अगर जागो जागे नहीं तो ये वेस्ट इंडीज़ की टीम कहीं ऐसा ना हो 3-0 करके निकल जाए। बिल्कुल, आज करो या मरो का मुकाबला होने वाला है भारतीय टीम के लिए। विराट कोहली की जो नज़र होगी वो गेंदबाजों पर होगी, गेंदबाजी अच्छी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं ऋषभ पंत का जो मैटर था वो सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, उनको लगातार मतलब तेज़ नहीं खेलना होगा और श्रेयस अय्यर को चौथे नंबर पर खिलाना होगा, तो परफेक्ट टीम कहीं ना कहीं कहीं है। देखिए टीम का बैलेंस ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये सोचें कि आपको केदार जाधव और शिवम दुबे पांचवें बॉलर के रूप में आप खिलाएंगे तो फिर वही हश्र होगा जो पहले वनडे मैच में हुआ था, क्योंकि आपको ऐसा एक ऑलराउंडर खिलाना चाहिए जो जब बॉलिंग की बात आती है जो बॉलिंग करके आपको पूरी दे और बैटिंग में कंट्रीब्यूट कर सके, ना कि कोई बैट्समैन जो आपको थोड़ी बहुत बॉलिंग करके दे सके, क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ी परेशानी हो चुकी है कि ऑलराउंडर की डेफिनेशन चेंज होगी। हमारे टाइम में ऑलराउंडर की डेफिनेशन होते थे कपिल देव जी, जो इधर बैट और बॉल दोनों से आपको मैचेस जिता सकते थे, या मनोज प्रभाकर जी। आज की जो डेफिनेशन होगी ऑलराउंडर की, थोड़ी सी बॉलिंग कर देता है, थोड़ी सी बैटिंग कर देता है और फील्डिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, आई थिंक वहां से हमें हटना बहुत जरूरी है अगर इंडियन क्रिकेट को आपने इम्प्रूव करना है, क्योंकि हार्दिक पांड्या एक ऐसे ऑलराउंडर आए जो आपको बैट से बॉल से फील्डिंग में मैचेस जिता सकते हैं। सो वैसे ऑलराउंडर्स की जरूरत है, और ये जो सोच है कि थोड़ा थोड़ा कर देते हैं, इस सोच से हटना होगा और भारतीय टीम को यहाँ पर आज का मुकाबला करो या मरो का होता है तो वहाँ पर जीतना भी होगा। परफेक्ट टीम कॉम्बिनेशन तो नहीं कहेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन जो हमारे जो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं उनको उन पर ध्यान देना होगा। हार्दिक पांड्या अगर टीम में आ जाते हैं तो टीम स्ट्रांग हो जाएगी। भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह अभी टीम से बाहर हैं, लेकिन जो ओवरऑल टीम है इस वक्त, आज मुकाबला जीतना होगा, विराट कोहली को दम दिखाना होगा, गेंदबाजों को शानदार गेंदबाजी करनी होगी, और मोहम्मद शमी पे कहीं ना कहीं प्रेशर तो होगा, क्योंकि हर तरीके से वो एक्सपीरियंस तजुर्बेदार खिलाड़ी तो वही है टीम के अंदर। अगर आप देखेंगे रविंद्र जडेजा पार्ट टाइम वो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, लेकिन गेंदबाजी अगर तेज़ गेंदबाजी की बात होती है तो मोहम्मद शमी पे हमेशा अभी इस वक्त प्रेशर दिखता है। मुझे ऐसा लगता है मोहम्मद शमी को नया बॉल देना चाहिए, क्योंकि नई बॉल से अगर आप उनको देखें आपको विकेट्स लेके देते हैं, क्योंकि अगर आप उनको नंबर तीन पर बॉलिंग कराने की सोचें तो मेरे ख्याल से सही सोच नहीं है। सो नई बॉल उनके हाथ में थमानी चाहिए, और कहीं ना कहीं जिस तरह से वो पिछले मैच में मैंने उनको बॉलिंग करते हुए देखा था, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कोई एक निगल है, लेकिन इंडियन टीम में इस समय एक्सपीरियंस की इतनी ज़रूरत है, क्योंकि बुमराह नहीं है और भुवनेश्वर का जैसे आप जिक्र करते जा रहे हैं वो भी नहीं है इंजरी की वजह से, सो उनको कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़बरदस्ती खिला रहे हैं, क्योंकि शमी का हमने देखा है जब 100% फिट होते हैं
अनप्लेबल से बॉलर होते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी उनको निगल हो तो फिर हमने देखा है कि उनकी बॉलिंग पर खूब रन जाते हैं। सो अगर उनको खिला रहे हैं तो 100% फिट हो तो ही खिलाएं, और ना किसी यंगस्टर को चांस दें। और आपको एक यू नो यंगस्टर्स जो है उनको देखने का मौका भी मिलता है कि ये प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हैं, खासतौर से इंटरनेशनल क्रिकेट। जी सर, आखिरी मेरा सवाल है, अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है तो कितना स्कोर यहाँ पर ठीक रहेगा, क्योंकि धीमी पिच है। देखिए 270-280 तक का अगर स्कोर बनाते हैं तो जो बॉलिंग इस समय है इंडियन टीम की उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा इस पिच के ऊपर कि इस स्कोर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन कहीं 220-230 पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने तो फिर शायद कॉन्फिडेंस वेस्ट इंडीज़ टीम का बेहतर होगा कि हमने पिछली भी धीमी गति की पिच थी जो पिछला मैच था उसके ऊपर हमने 280 रन चेस कर दिए, तो ये रन चेस किए जा सकते हैं। सो बैटिंग में रन बनने बहुत ज़रूरी होंगे जिस तरह की बॉलिंग है इस समय इंडिया की। तो बल्लेबाजों को ध्यान रखना होगा, रोहित शर्मा केएल राहुल के ऊपर प्रेशर होगा, ओपनिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, मिडल ऑर्डर हमारा अब श्रेयस अय्यर संभाल रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने पिछला मुकाबला खेला था शानदार उन्होंने बल्लेबाजी करके दिखाई थी, तो बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत करनी होगी और गेंदबाजों को धारदार गेंदबाजी भी करनी होगी। तो आज इस शो में इतना ही, और मेरे साथ मनिंदर सिंह जी थे, धन्यवाद सर। तो आज देखना होगा टीम इंडिया को किस तरीके से आज गेंदबाजी और बल्लेबाजी करती है, इतना ही। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं, आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।